दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग यार UIMO यानी यूनिफाइड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियड एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले ऑलरेडी हमने यार NSTSE यानी नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस कर रखा है यार। ये भी यूनिफाइड काउंसिल के द्वारा ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। ये यूनिफाइड काउंसिल का साइंस ओलंपियड एग्जामिनेशन था यार। NSTSE की वीडियो में ऑलरेडी हमने यार सारी चीजों को कवर कर रखा था। NSTSE एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस में कौन सी चीजें इंक्लूडेड है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से हैं, कट ऑफ कितना आता है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, सारी चीजों को काफी अच्छे तरीके से वहां पर हमने डिस्कशन कर रखा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यार UIMO यानी यूनिफाइड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियड एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस में कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारी चीजों को हम लोग आज के वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर UIMO एग्जामिनेशन होता क्या है और आपको ये एग्जामिनेशन क्यों देनी चाहिए। तो देखो यार, UIMO यूनिफाइड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियड एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल का बहुत ही प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है। ये एग्जामिनेशन है यूनिफाइड काउंसिल हैदराबाद के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। यूनिफाइड काउंसिल एक प्रोफेशनली मैनेज्ड प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है जो ओलंपियड एग्जामिनेशन को डिफरेंट सब्जेक्ट में कंडक्ट करवाती है। साइंस को लेकर के, मैथमेटिक्स को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के, साइबर ओलंपियड को लेकर के डिफरेंट सब्जेक्ट में यार ओलंपियड एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है। इससे पहले ऑलरेडी साइंस को हमने कवर कर रखा था। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो भैया, इस एग्जामिनेशन को हमें क्यों देना चाहिए, आखिर इस एग्जामिनेशन को देने का एडवांटेज क्या है। सबसे बड़ी चीज है, ये एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है। जब हम लोग यार क्लास 12 के बाद किसी भी प्रेस्टीजियस कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोचते हैं, तब हमें एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को फेस करना पड़ता है। नेशनल लेवल पे लाखों बच्चों के साथ कॉम्पीट करना पड़ता है और तब यार कई सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं। नेशनल लेवल पर उनको कॉम्पीट करने की आदत नहीं होती है, MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत नहीं होती है, इतने सारे बच्चों में OMR शीट को फिलअप करने की आदत नहीं होती है, इतने सारे बच्चों के साथ कॉम्पीट करने की उनको प्रैक्टिस नहीं होती है। तो इस तरीके की ओलंपियड एग्जामिनेशन में नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन से अगर आपको शुरुआत से ही प्रैक्टिस हो तो आपको काफी ज्यादा मेहनत यार नहीं करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी यार, एग्जाम का डर नहीं रहेगा। कई सारे बच्चे यार एग्जामिनेशन को लेकर के डर जाते हैं। जेई मेंस आता है, जेई एडवांस आता है, नीट का एग्जामिनेशन आता है, कई सारे बड़े बड़े एग्जामिनेशन जो आप क्लास 12 के बाद देने वाले हो वहां पर यार कई सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं। तो अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, नेशनल लेवल पर लाखों बच्चों के साथ कॉम्पीट करके देखना है कि आखिर आपने कितनी तैयारी कर रखी है, कितनी ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुकी है, आपको अपने अंदर कितनी डेवलपमेंट लानी जरूरी है, सेल्फ एनालिसिस के लिए ये एग्जामिनेशन काफी ज्यादा जरूरी है। तो इस टाइप के एग्जामिनेशन को आपको जरूर देना चाहिए यार। इस टाइप के एग्जामिनेशन से सेल्फ एनालिसिस में काफी ज्यादा मदद मिलती है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको एग्जामिनेशन जरूर देना चाहिए। अगर हम लोग इस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का कोई भी स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकता है। इसके अलावा कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, स्पेशली डेट ऑफ बर्थ को लेकर कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताई है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट हो तो इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हो। आप कौन से बोर्ड से बिलोंग करते हो, CBSE स्टूडेंट हो, ICSE के स्टूडेंट हो, स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आसानी से इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हो। इस एग्जामिनेशन में आपको कोई भी दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो रजिस्ट्रेशन बेसिकली आपका नवंबर दिसंबर के महीने में शुरू हो जाता है। UIMO एग्जामिनेशन बेसिकली आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी को कंडक्ट करवाया जाता है और 15 डेज आफ्टर द एग्जामिनेशन आपका रिजल्ट या डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी अप्रॉक्सिमेटली आपका लास्ट वीक ऑफ जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक आपके हाथों में आपका रिजल्ट या मिल जाएगा। डेट्स को लेकर जितनी भी जानकारी होती है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, डायनामिक इन्फॉर्मेशन होती है। टाइम टू टाइम यार हर साल ये चीजें वैरी करती है, तो आपको हर साल जाकर के इनको ऑफिशियल वेबसाइट पर कंफर्म करना पड़ेगा आखिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, एग्जामिनेशन कब होने वाला है। तो इनको सारी की सारी चीजें आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक बना है, आसानी से जाकर आपको सारी की सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। अगर हम लोग इनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो दो तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सबसे पहला मेथड आपका इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन होता है और दूसरा मेथड आपका स्कूल का रजिस्ट्रेशन होता है। इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में हम लोग जरूर डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, आपको मटेरियल मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, कई सारे फीस स्ट्रक्चर को लेकर के इनका इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कंडक्ट करवाया जाता है। इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कंपैरेटिव में स्कूल का रजिस्ट्रेशन काफी ज्यादा सिंपल होता है। अगर आप चाहो तो अपने स्कूल के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपका स्कूल ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है तो आसानी से आप अपने स्कूल के थ्रू इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हो। काफी सिंपल प्रोसेस होता है, आप अपने स्कूल के थ्रू इस एग्जामिनेशन में काफी आसानी से रजिस्टर कर सकते हो। आपको अपने सारे के सारे डिटेल्स अपने स्कूल को देना है, आपके सारे के सारे डिटेल्स यार आपके स्कूल के
थ्रू ही यूनिफाइड काउंसिल के पास यार पहुंच जाएंगे। इस तरीके से स्कूल का रजिस्ट्रेशन काफी सिंपल होता है, लेकिन इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में हम लोग जरूर डिस्कशन करेंगे। अगर हम इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में डिस्कशन करें तो पूरे के पूरे एग्जाम पैटर्न को हम लोग तीन कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी में क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे आते हैं, दूसरे कैटेगरी में क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चे आते हैं, और थर्ड कैटेगरी में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे आते हैं। तो इन तीनों ही कैटेगरी के एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को दो सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहला सेक्शन आपका मैथमेटिक्स का होता है, इसमें आपको कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 30 मार्क्स का होता है। दूसरा सेक्शन यहाँ पर आपका लॉजिकल रीजनिंग का होता है, इसमें आपको कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन आपका कुल मिलाकर 10 मार्क्स का होता है। अगर हम लोग टोटल कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 40 मार्क्स का होने वाला है। अब हम लोग क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को तीन सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहला सेक्शन आपका मैथमेटिक्स का होने वाला है, इसमें आपको कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 35 मार्क्स का होता है। सेकंड सेक्शन आपका लॉजिकल रीजनिंग का होता है, इसमें आपको कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन पूछेंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। थर्ड सेक्शन आपका क्रिटिकल थिंकिंग का होता है, इसमें आपको कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछेंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 5 मार्क्स का होने वाला है। अगर हम लोग टोटल कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछेंगे और फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। अब हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को चार सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहला सेक्शन आपका मैथमेटिक्स 1 का होता है, इसमें आपको कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछेंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 30 मार्क्स का होता है। सेकंड सेक्शन आपका मैथमेटिक्स 2 का होता है, इसमें आपको कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछेंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो ये सेक्शन आपका 15 मार्क्स का होता है। थर्ड सेक्शन आपका लॉजिकल रीजनिंग का होता है, इसमें आपको कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन पूछेंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का बनता है। फोर्थ सेक्शन आपका क्रिटिकल थिंकिंग का होता है, इसमें आपको कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछेंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 5 मार्क्स का बनता है। अगर हम लोग टोटल कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछेंगे और फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 60 मार्क्स का होने वाला है। होपफुली आपको एग्जाम पैटर्न यार अच्छे खासे तरीके से समझ में आ गया होगा। एग्जाम पैटर्न को अच्छे खासे तरीके से एनालाइज करो, कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन पूछ लेंगे, कितने मार्क्स का होने वाला है, इस चीज को समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है। एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर हम लोग अपना एग्जामिनेशन का स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकते हैं, अच्छे खासे तरीके से हमारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। होपफुली आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे खासे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में बात करें तो हर एक क्लास का क्वेश्चन पेपर डिफरेंट होता है, तो हर एक क्लास का सिलेबस भी कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला है। हर एक क्लास का सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस कर पाना है पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, वहां पर जाकर आपको इंडिविजुअल सेक्शन में कौन से टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे की सारी चीजें काफी आसानी से मेंशन है, आप वहां पर जाकर सारी चीजें कंफर्म कर सकते हो। अगर हम लोग सिलेबस के बारे में बात करें तो जिस क्लास से आप एग्जामिनेशन में अपेयर करने वाले हो पर्टिकुलरली उस क्लास के सीबीएसई के मैथमेटिक्स के बुक में यानी एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स के बुक में जितने भी चैप्टर्स यार इंक्लूडेड है वो सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की बात है, लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पीडीएफ में मिल जाएंगे, आसानी से जाकर आप लॉजिकल रीजनिंग का देख सकते हो। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, या आखिर आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है, किस तरीके से आपको इस एग्जामिनेशन की अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो हम लोग सेक्शन वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करेंगे, इस सेक्शन को लेकर क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस तरीके से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा हो या फिर इनका सैम्पल पेपर देखा हो तो अगर आपको पता चलेगा है क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा आसान होता है। अगर एक बच्चा अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, एक जनरल प्रिपरेशन भी एक बच्चा कर रहा है और जनरल प्रिपरेशन के साथ ही एग्जामिनेशन में अपीयर करता है तब भी वो एग्जामिनेशन में काफी अच्छा परफॉर्म करके आ जाएगा। एग्जामिनेशन का डिफिकल्टी लेवल काफी आसान होता है, आप इस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, इसका आउटपुट और इनपुट का रेशियो काफी अच्छा है। आपको इस एग्जामिनेशन के बाद सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करनी जरूरी है, अगर आप अच्छे खासे तरीके से सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करते हो तो इस एग्जामिनेशन में काफी अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैथमेटिक्स में सबसे बेसिक प्रिपरेशन आपकी करनी जरूरी है। बेसिक प्रिपरेशन से मेरा मतलब है जिस क्लास से आप एग्जामिनेशन में अपीयर करने वाले हो पर्टिकुलरली उस क्लास में मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं अच्छे खासे तरीके से सारे के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करो। एक बार आपने अपने बेसिक प्रिपरेशन कर लिए, नेक्स्ट स्टेप आपका आरडी शर्मा पर जाना चाहिए। आरडी शर्मा और एनसीईआरटी को आपको साइमल्टेनियसली कंप्लीट करना जरूरी है। आरडी शर्मा या फिर आरएस अग्रवाल दोनों में से कोई भी किताब आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर बच्चे आरडी शर्मा को प्रेफर करते हैं, मैं खुद भी आरडी शर्मा को प्रेफर करता था, इसलिए मैं आरडी शर्मा सजेस्ट करूंगा। आरडी शर्मा के डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा सिमिलर है, क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल एनसीईआरटी के लेवल से काफी ज्यादा सिमिलर होती है, आपको पढ़ने में समझने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। एक चैप्टर आपने एनसीईआरटी से खत्म कर लिया, साइमल्टेनियसली उसी चैप्टर को
आपने एडिशन मसिव खत्म कर लिया, एक चैप्टर को आपने सिस्टमेटिकली काफी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। इस तरीके से आपको मैथमेटिक्स के चैप्टर को कवर करना है। इसके अलावा अगर आप किसी किताब को खरीदना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ UIMO एग्जामिनेशन के लिए कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप दूसरे ओलंपियाड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, NTSE की तैयारी कर रहे हो, KVBA की तैयारी कर रहे हो, SOF ओलंपियाड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप दूसरी किताबों का फॉलो कर सकते हो, PSC की किताबों को फॉलो कर सकते हो। काफी बेहतरीन किताबें होती है, आपकी फाउंडेशन लेवल को स्ट्रॉन्ग करने में काफी ज्यादा मदद कर सकती है। तो उस टाइप की किताबों को आप आसानी से फॉलो कर सकते हो यार। PSC की किताबें आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे यार। IIT फाउंडेशन की मैथमेटिक्स की PSC की किताबें आप आसानी से फॉलो कर सकते हो। डिफरेंट क्लासेस की किताबें आ जाती है, क्लास 6 से अबव हो तभी इस किताब को फॉलो करो। अगर आप क्लास 6 से नीचे हो इस किताब को खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने NCERT तक ही रिस्ट्रिक्ट रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो, सैंपल पेपर को देखो, काफी अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर हम उनके लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब को खरीदना है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि IAS अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की किताब आती है, काफी मोटी किताब होती है, उससे आपकी लॉजिकल रीजनिंग की काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। काफी अच्छे क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे, काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। अच्छे खासे तरीके से आप लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ UIMO एग्जामिनेशन के लिए लॉजिकल रीजनिंग की किताब खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप दूसरे ओलंपियाड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर रहे हो, SOF ओलंपियाड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, वहां पर भी लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन होता है, तो उस सिचुएशन में आपको वर्बल रीजनिंग की किताब खरीदने की जरूरत है। एक ही किताब में आप सारे के सारे क्लासेस की आप तैयारियां कर सकते हो। डिफरेंट क्लासेस को लेकर के किताब खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर्टिकुलरली इस किताब से आप हर एक क्लास में अपनी तैयारियां कर सकते हो। अगर हम लोग मैथमेटिक्स 2 सेक्शन के बारे में बात करें, जो आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के बारे में होने वाला है, तो यहाँ पर यार हर एक क्वेश्चन का वैल्यू 3 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ पर यार ईच क्वेश्चन हॉट टाइप क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपने सैम्पल पेपर देखा हो, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन अगर आपने एडिशन में अच्छे से कवर कर रखा है तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी यार, ट्रस्ट मी। अगर आपने एडिशन में अच्छे से कवर किया होगा, क्योंकि एडिशन में हॉट टाइप के क्वेश्चन भी कवर किए जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होने वाली। आप अपने मैथमेटिक्स 2 के सेक्शन की तैयारी भी यहाँ से अच्छे खासी तरीके से कर सकते हो। अगर आप SOF ओलंपियाड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। SOF ओलंपियाड एग्जामिनेशन का लेवल काफी ज्यादा अच्छा होता है, उससे थोड़ा सा नीचे होता है आपका UIMO एग्जामिनेशन का डिफिकल्टी लेवल। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया। इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, सिलेबस में कौन सी चीजें इंक्लूड है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी सारी चीजों को हमने कवर कर लिया। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, हम उन सभी चीजों के बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय, सैम्पल पेपर सॉल्व करते समय कहीं पर भी कोई भी डिफिकल्टी आए तो अभी आपको एक ईमेल दिख रहा होगा, यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, हम उन सभी चीजों के बारे में जरूर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर पूछ सकते हैं, हम उन सभी चीजों के बारे में भी जरूर डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय।